आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार काफी कोशिशें कर रही है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना हो या फिर सेल्फी विद डॉटर जैसी पहल। हमने भी एक ऐसी ही पहल का जायजा लिया जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को उनके पैरों पर खड़े करने की मजबूती से कोशिश की जा रही है। गांव से आई इन महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने की ललक साफ देखी जा सकती है। ये जल्दी से जल्दी पढ़ लिख कर हुनरमंद बन जाना चाहती हैं। कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रमों में इन महिलाओं की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। साढ़े तीन महीना से सिलाई सीख रही हूँ। मेरे सिलाई सीखने में ये फायदा है कि मैं अपने बच्चे के जो कपड़ा बाहर सिवाते थे अब मैं खुद अपने आप सी लेती हूँ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में की जा रही यह पहल आरओ फाउंडेशन के गरिमा प्रोजेक्ट की है। इस प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। जो नहीं कुछ सिलना जानती थी बाहर जाके सिलाई के पैसे देती थी, कपड़े सिलवाती थी, वो यहाँ पर खुद सिलती हैं और पहनती हैं, बहुत ही खुश हैं। इस फाउंडेशन ने आम लोगों के अलावा कई कंपनियों से मदद लेकर अपने कामकाज को आगे बढ़ा रही है। नोएडा के अलावा उत्तर प्रदेश के कई शहरों और कस्बों में तो संस्था काम कर ही रही है। इसके अलावा फाउंडेशन देश के कई राज्यों में सैनिटेशन, पानी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है। संस्था को उसके कामकाज के लिए कई सम्मान भी हासिल हो चुके हैं। अब तक 1000 से ज्यादा महिलाएं यहां से ट्रेनिंग लेकर अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, सादा पैजामा, बेल्ट वाली सलवार, सूट, डिजाइनर सूट, लाइनिंग वाला ब्लाउज, सादा ब्लाउज। अलग अलग प्रदेशों में कई प्रकार के कार्यक्रम चलाने शुरू किए। 2009-10 से हमारे कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसमें से मेजर प्रोग्राम शिक्षा के लिए है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, महिलाओं का जीवन यापन सुधारना, महिलाओं के लिए लाइवलीहुड प्रोग्राम्स, डिफरेंट ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड करना, हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन का कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि अभी आजकल स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हम लोग कई प्रकार के कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें स्कूलों को टॉयलेट बनाना, उनका कंस्ट्रक्शन, टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन करना तथा बच्चों को बिहेवियर चेंज देना कि किस प्रकार से वो यूज टॉयलेट कर सकते हैं। आम तौर पर एनजीओ और इस तरह की संस्थाएं सरकार से फंड लेकर काम न करने के लिए बदनाम है, लेकिन आरओ फाउंडेशन के कामकाज का जायजा लेने पर यह धारणा टूटती है।